क्वेश्चन नंबर 7 अनसॉल्व एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं अभी, पेज नंबर 175। देखो क्वेश्चन नंबर 7, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द बुक्स ऑफ विजय इन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। जनरल प्रॉपर में एंट्री मारने बोला है, क्या मतलब है इसका कि जो बुक जो मतलब क्रेडिट बुक में नहीं आएगा जो एंट्री वो कहाँ पे जाएगा, जनरल में बोला था ना, उसकी एंट्री मारने बोली, बट वो हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मेन टारगेट क्या है, क्रेडिट बुक, ठीक है, ओके। देखो अभी क्वेश्चन पहला क्या है, 2018 अगस्त 1 तारीख, परचेज गुड्स फ्रॉम विकास स्टोर्स 18,000 एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो परचेज किया है विकास के पास से, 1 तारीख क्या लिखेंगे, विकास स्टोर्स 18,000 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें डीडी मारता ना, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस 18,000, इसमें टीडी कितना है, तो माइनस टीडी 5%, 10% कितना होगा, 1800, तो 5% कितना आएगा, 900, तो ये हो जाएगा 17,100। नेक्स्ट समझ आया, तो यहाँ पे आएगा 17,000। आप चाहिए ना तो यहाँ पे एट द रेट क्या कर सकते हो, 5% टीडी, तो ये आपको कब हेल्प करेगा, रिटर्न जब रहेगा ना रिटर्न, तो उस टाइम आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है, लिख सकते हो। सेकेंड, सोल्ड गुड्स ऑफ 9,000 टू प्रभाकर ट्रेडर्स, तो प्रभाकर को हमने सेल किया है, तो सेल्स में जाएगा। प्रभाकर ट्रेडर्स 9,000। नेक्स्ट, वीना सोल्ड गुड्स 16,000 टू अस, वीना ने हमको सेल किया, वर्ड यहाँ पे सेल लिखा है, लेकिन टू अस बोला है, मतलब हमें, हम किसकी बुक में काम कर रहे हैं, विजय, तो विजय को वीना ने क्या किया, सेल किया, तो विजय के लिए क्या होगा, परचेज, तो कहाँ पे आएगा, परचेज बुक, 5% टी डी एज पर आवर ऑर्डर 28 जुलाई 2018। तो ये सिंपल है, ये कौन सी, वीना, ठीक है, 16,000 5% टी डी, यहाँ पे क्या लिखोगे, 16,000 5% टी डी, मतलब 16,000 का 10% कितना होगा, 1600, 10 कम कर दो, तो 5% कितना होगा, 800, अभी कितना हो जाएगा, 15,200, 15,200, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या है, 8 तारीख, सेंड अ डेबिट नोट टू विकास स्टोर्स, विकास स्टोर्स को हमने क्या किया, डेबिट नोट दिया, ऑब्वियसली विकास ने क्या किया रहेगा, माल परचेज किया रहेगा, डेबिट नोट दिया ना, देखो विकास स्टोर से, यहाँ पे क्या रहेगा, 8 तारीख को विकास स्टोर, 1600 ग्रॉस है ना, 1600, तो विकास स्टोर के पास से जब हमने माल खरीदा था कितना परसेंट था, 5% था, तो बिना से ही 5% किया ना, ठीक है, तो विकास से हमने 1600 का माल रिटर्न किया विकास को, तो 1600 का 5% कितना होएगा, 80 रुपये, क्यों, 1600 का 10% कितना होगा, 160, 5% कितना होगा, 80, 1600 में से 80 गया तो 1520, यहाँ पे कितना आएगा, 1520, क्लियर है। अगला है, सोल्ड गुड्स ऑफ 12,000 ऑन क्रेडिट टू शमल एंड सन्स एट 6% टी डी, सेल किया है 10 तारीख को, तो सेल में आ जाओ, समल एंड सन्स 12,000, कितना परसेंट टी डी है, 6%, तो 12,000 का 6% कैलकुलेट कर लो, 6/12, सॉरी 6/100, 20 कैंसिल, फिर 6 + 6 = 12, 1 + 6 + 6 + 1 = 720, तो 720 यहाँ से माइनस करोगे तो 0, 10 - 2 = 8, 9 - 7 = 2, और ये क्या हो जाएगा, 11,
तो 11,280 एट द रेट 6% ओके नेक्स्ट अभी क्या रिसीव क्रेडिट नोट फ्रॉम वीना वीना से हमको क्रेडिट नोट मिला देखो यहाँ पे अगर डेबिट नोट देते हैं तो क्रेडिट नोट देते हैं है ना तो वीना ने हमको क्रेडिट नोट दिया तो इसका मतलब क्या हुआ ये हमारे लिए परचेज रिटर्न है ना याद रख लीजिए तो वीना 18 तारीख वीना कितने का माल उसने हमको रिटर्न हमने उसको रिटर्न किया 900 रुपये का यहाँ पे 900 रुपया लिखेंगे क्योंकि ग्रॉस लिखा हुआ वहाँ पे और वीना से जब हमने ट्रांजेक्ट किया था तो कितना परसेंट भी किया था 5% डीडी पे तो इसका 900 का 10% कितना होगा ना बे तो 5% कितना होगा 45 तो ये क्या होगा 855 समझ में आ रहा है कुछ आप लोग को पक्का ओके नेक्स्ट अभी क्या है सेंटर क्रेडिट नोट टू प्रभाकर फॉर 1500 प्रभाकर को देखो हमने क्या सेंड किया क्रेडिट नोट देखो यहाँ पे ये दोनों है ना देने का लिखा हुआ परचेज में हम लोग क्या देते हैं डेबिट नोट और क्या देते हैं सेल में क्या देते हैं क्रेडिट नोट ये देते हैं ऐसा याद रखो तो अगर डेबिट नोट आया तो इसका मतलब क्या होगा डेबिट नोट आया तो मतलब क्या होगा ये देने का है ना तो डेबिट नोट आया मतलब तो डेबिट इधर निकला लेकिन आया ये जाने का है तो आया तो याद रहेगा ये दोनों काहे के लिए जाने के लिए डेबिट नोट भेजते हैं हम क्रेडिट नोट भेजते हैं डेबिट नोट भेजा मतलब परचेज रिटर्न क्रेडिट नोट भेजा मतलब सेल्स रिटर्न है समझे और आया तो डेबिट नोट आया तो इधर चले जाने यानी सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट आया तो डेबिट समझ में आया कुछ सिंपल है ओके तो फिर से देख लेते एक बार सेंड अ क्रेडिट नोट टू प्रभाकर ट्रेडर सेंड किया ये भी सेंड ही है ना भेजने का ही तो इधर आ जाएगा ठीक है 1500 फॉर गुड्स रिटर्न तो चलो 22 तारीख को प्रभाकर कौन सा कर प्रभाकर ट्रेडर्स 1500 है यहाँ पे ग्रॉस वगैरह वर्ड यूज किया है क्या नहीं तो सीधा जो है वो लिख देने का ठीक है फिर आगे क्या है रिसीव्ड अ क्रेडिट नोट क्रेडिट नोट मिला ये दोनों क्या क्या है देने का है तो क्रेडिट नोट मिला तो किधर जाएंगे डेबिट नोट याद रख लो ना जो एग्जाम में कंफ्यूज हो गए इधर किसने दिया अपने को क्रेडिट नोट श्यामल एंड सन्स अगेन वही उल्टा रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम श्यामल एंड सन्स फॉर 1200 क्रेडिट गुड्स फॉर गुड्स देखो शवल है यहाँ पे लेकिन हमको मिला क्या क्रेडिट नोट ये क्रेडिट नोट हम देते हैं मिला मतलब ये क्या हो गया और यहाँ पे चेंज कर दो आपको ठीक है समल एंड सन्स रिसीव की जगह पे ना क्रेडिट नोट है ना रिसीव क्रेडिट नोट का डेबिट नोट कर दो रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम समल एंड सन्स ठीक है क्या चेंज करोगे रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम समल एंड सन्स ठीक है तो डेबिट नोट मिला हमको और ये क्या है क्रेडिट नोट कितनी तारीख के सेल डेट पे समल एंड ठीक है 1200 रुपया नेट है डायरेक्ट ठीक है आगे 23 तारीख परचेज गुड्स ऑफ 16,600 फ्रॉम प्रिया स्टोर्स एंड पेड कैरेज 150 कैरेज आएगा क्या नहीं 23 तारीख को हमने परचेज किया प्रिया गोल्ड है क्या है प्रिया स्टोर्स प्रिया स्टोर्स स्टोर्स 16,000 ओके अगला
purchased goods from Sadhana stores 12,000 and sold the same to Anuradha stores at the rate 20% profit. अब भी किया था हम लोग ने कौन से समय सातवें और आठवें स्पॉट एग्जाम्पल तो उसका भी ठीक है. तो पहले तो हमने परचेज किया था, परचेज लिख लेते हैं 25 तारीख को साधना स्टोर्स 12,000 ठीक है ये हो गया. फिर हम सेल कर रहे हैं आराधना को, आराधना ठीक है, धाना है स्टोर दिए. लेकिन कैसे के सेल कर रहे हैं हम लोग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. तो किसी को यहाँ पे वर्किंग मोड वन सेल कर रहे हैं तो कॉस्ट कितना है, कितने में खरीदा 12,000 में, कितना प्रॉफिट ऐड कर रहे हो आप एट 20% प्रॉफिट 10% 1200 में 12,000 का कितना आएगा 1200 का तो 20% कितना आएगा 2400 सिंपल ना. ये कितना आएगा 14,400. ये क्या हो जाएगा सेल प्राइस. पिछले समय भी ऐसे ही हमने किया था कुछ सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ना. कितने सेल किया 14,400 में. और बाकी आराधना रिटर्न गुड्स ऑफ 2400 एज दे वर डिफेक्टिव एंड सेम वर रिटर्न टू साधना स्टोर्स. ये सेम वही क्वेश्चन है ठीक है, खाली नाम चेंज किया हुआ और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है आ सकता है एग्जाम. तो आराधना स्टोर्स रिटर्न गुड्स ऑफ 2400. आराधना कौन है जिसको हमने माल बेचा था उसने हमको रिटर्न किया, कितने तारीख को रिटर्न किया 28 को. तो क्या लिखोगे और स्टोर्स 2400. अब ये सेम हमने किसके पास से खरीदा था क्योंकि डिफेक्टिव था हम वापस रिटर्न कर देंगे साधना को. तो साधना को 2400 में रिटर्न करोगे क्या? नहीं. उस 2400 में क्या छुपा हुआ है 20% प्रॉफिट है ना. तो चेक कर लो यहाँ पे कैसे प्राइस निकालेंगे. फिर वर्किंग मोड टू ये जो 2400 है ये सेलिंग प्राइस है और जिसके पास से हम खरीदते हैं ना हम क्या होता है कॉस्ट होता है. तो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना होगा, यहाँ पे सेल पे रिकॉर्ड नहीं करोगे आप. कैसे होगा देखो मैंने बताया था आपको सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है ना. मुझे बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट था इसके पहले 20%. तो नेट कॉस्ट हम कितना अज्यूम करेंगे 100 और प्रॉफिट कितना बोला 20 तो आपका सेल प्राइस कितना हो जाता है 120 हो गया है ना. और आपको 2400 वो भी क्या है स्वर है सेल प्राइस ही दिया होगा है ना. तो सेल के नीचे ये भी लिखा, सेल के नीचे ये एज्यूम किया हुआ माना हुआ है और ये ठीक है रियल वैल्यू. तो हमें अभी रियल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालना है. तो क्या करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई इसे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120. तो जीरो जीरो कैंसिल 12 2 24 और एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ अभी ये 20 हो जाएगा और 20 into 100 कितना हो जाएगा तो आपका कॉस्ट कितना हो गया समझ में आया. तो साधना के रिटर्न में कितना हम लिखेंगे 2000. ये क्लियर हुआ ना अभी तुम लोगों को है ना. फिर नेक्स्ट क्या है परचेस फर्नीचर. फर्नीचर परचेस क्या रिकॉर्ड होगा क्या? इधर नहीं, ये क्रेडिट बुक है इधर रिकॉर्ड नहीं होगा. कहाँ रिकॉर्ड होगा? जनरल प्रॉपर. तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया तो एग्जाम में इंस्ट्रक्शन देगा तो तुम लोग को खाली जनरल प्रॉपर मतलब क्या जनरल का फॉर्मेट बनाने का क्या होता है डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट और क्रेडिट जनरल तुम लोगों ने किया तो सीधा जनरेटिव आ जाएगा सिंपल है ठीक है. ओके टोटल कर लें 3 और 6 9
सात और पाँच बारह, बारह और आठ कितना होता है बीस, दो के लिए क्या दो एक तीन चार पाँच छः 60,900 पाँच और दो सात 13 13 और ये चार 4375। ये डिस्कस मत करो बीच में, छः नौ एक दस और चार 14 और तीन 34,680। जीरो जीरो सात और चार 11 एक के लिए क्या तीन और दो 5,500। ठीक है ओके। कल हम लोग क्या करेंगे, अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर सॉरी सॉल्व का क्वेश्चन नंबर 9। तो तुम लोग आ जाना होमवर्क में ये करके आना, आठवां क्वेश्चन ट्राई करना, आया तो ठीक है नहीं तो फिर बताओ।